अलग। हाँ अच्छा मेरी बात सुन, वो यार हरमन ने पिया था सामान तेरा, वो कह रहा है यार थोड़ा हल्का है, इसमें थोड़ा पावर कट मिलवा दो। हाँ हरमन ने नहीं, आप लेके गए तो कैसा था, आपने नहीं किया। पैसे चलो मेरी तरफ से आ गए, पर उसे क्या कहते हैं, उसने पिया था तो वो कह रहा है भी हल्का आ रहा है, इतना मजा नहीं आया उसमें कह रहा है, और एक क्वांटिटी कम थी यार। तुम 1300 रुपये ले रहे हो क्या, आधे ग्राम के 2600 रुपये ग्राम के ले रहे हो यार, कम से कम माल तो पूरा दो। हैं तो तुमने जितना मुझसे किया उनने मैं लिया, अब तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें देता, अब तुम तो मेरे पास आना नहीं चाहते, हम तुम्हें भाई समझते हैं। रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर में खुलेआम नशा बेचा जा रहा है। हालांकि पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, मगर उसके बाद भी वो जो तस्कर है वो बाहर आने के बाद फिर नशे को बेचने का जो कारोबार है वो शुरू कर देते हैं। हालांकि आपको बता दें, जो युवा पीढ़ी है इससे बहुत ज्यादा इंक्रेज हो रही है, वो आगे बढ़ चढ़ कर नशा खरीद रही है और पी रही है। इसके अलावा आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, मगर उन पर सही से नकेल नहीं कस रही है। NDPS एक्ट में लोगों पर कार्रवाई हुई भी है, मुकदमे हुए भी हैं, जेल भी गए हैं, मगर ये कारोबार बढ़ चढ़कर जो है फल फूल रहा है। मेरे साथ आदेश संधार हैं, मैं इनकी राय लूंगा, किसान नेता हैं। सर क्या लगता है आपको, ये लोग जो है नशे में ढकेल रहे हैं इस नई पीढ़ी को, क्या लगता है आपको, क्या मैसेज है आपका? मैसेज सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई भी आरोपी पकड़ा जा रहा है उस पर कानूनी अपना शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा, मालूम पड़ी आज उठा करके उसको बंद किया, अगले दिन आकर के वो और बड़ी मात्रा में करता है, तो कहीं ना कहीं कानून का जो भय है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वास्तव में बात यह है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको थाने में जाने से डर लग रहा है, और अपराधी लोग जाकर के थाने में बैठते हैं, उनको चाय पिलाई जाती है, उनको समोसे खिलाए जाते हैं, इस प्रकार से स्वागत उनका किया जाता है, तो पुलिस की जो कार्यशैली वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं है और ये गलत मैसेज जा रहा है। हमारे उत्तराखंड की जो सीमाएँ हैं उनसे मिले हुए, चाहे वो गाँव हैं हमारे चाहे शहर हैं, लगातार नशे की जो चीज़ें हैं वो अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए, उससे हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा। तो मेरा आग्रह रहेगा पुलिस से भी कि ऐसी कार्रवाई हो, एक बार अगर कोई पकड़ा जाए तो दोबारा उसकी हिम्मत ना हो उस कार्यक्रम में घुसने की। फोर्डविन इंजेक्शन हो गए, कोरेक्स हो गए, स्मेक हो गई, अफीम हो गई, ये इतनी तेजी से मेडिकलों पे कोरेक्स बिक रहा है, फोर्डविन इंजेक्शन बिक रहा है, इसके अलावा लोग चरस का कारोबार खुलेआम कर रहे हैं, अफीम बेची जा रही है, क्या पुलिस को पता नहीं है ये बात? सब कुछ मालूम है, स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है बिल्कुल सोए हुए है, और मुझे लगता है हर महीने कहीं ना कहीं ऐसे जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो संबंधित अधिकारियों को महीना देते हैं, और उसी के आड़ में रह करके इस प्रकार की हमारी युवाओं को बिगाड़ने का कार्य जो मुख्य अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनके संरक्षण में हमारा जिला बर्बाद होने की कगार पर है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी कार्यशैली को सुधारें, वरना इस मुद्दे को लेकर के भारतीय किसान संघ एक जोर शोर पर एक आंदोलन करेगा, क्योंकि भारतीय किसान संघ पूर्व से ही जहर मुक्त खेती और नशा मुक्त मानव इसको लेकर के अभियान चला रहा है, लेकिन उस अभियान को जनपद रामपुर में बिल्कुल पलीता लगाया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं, और इसको रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ, अपनी राय रखी। हालांकि नशा जिस तरीके से फैल रहा है और नशे कारोबार करने वाले जो 3-4 नाम मेरे सामने आए हैं जो जेल भी जा चुके हैं, एक जो साजन नाम का व्यक्ति है बिलासपुर का ही रहने वाला है, पीछे जेल भी गया, NDPS एक्ट मुकदमे सहित कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, अब वो फिर इस नशे को जो है कारोबार कर रहा है। इसके अलावा उसकी ऑडियो एक वायरल हुई है, जो बताया जा रहा है कमाल अख्तर नाम का व्यक्ति है, वो उसकी आवाज़ है उस ऑडियो के अंदर, और वो खुलेआम नशे के कारोबार की बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है और नशे बेचने की बात को कह भी रहा है। तो कुल मिला के पुलिस एक्शन कब करेगी, अब देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप ये नशे की तरफ, जो आजकल नशा खूब बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, इसमें मैंने बताया कि पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए, माँ बाप को उनका ध्यान रखना चाहिए, और जितना भी इधर उधर होता है उसको जो लीगल कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अच्छा, मतलब लग रहा है आपको कि अगर पुलिस रोकना चाहे नशे को तो रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है, मतलब एकदम 100% तो नहीं रोक सकती, लेकिन ये है कि ज्यादा ज्यादा रोक सकते हैं। अच्छा ये आपने, मतलब ये जो ऑडियो वायरल हो रही है नशे की, एक वीडियो ऑडियो भी आई है कि बच्चे उसमें कह रहा है कि मतलब कट ज्यादा लगा, ये लगा, मतलब नशा लग रहा है, इसका खुलेआम बिक रहा है? हाँ नहीं है, बिल्कुल है, मतलब अभी कंट्रोल कर लिया, ज्यादा कर लिया नहीं तो और फैलता जाएगा। नशा किस तरीके से देश का खोखला करने वाला है? नशे से तो जितने बच्चे हैं आज उनका जो भविष्य बनना है वो भविष्य नहीं बनेगा, और देश के लिए वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे।